हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और साथ साथ जो एग्ज़ाम टूरिज्म रही होगी, यानी कि आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो उसके साथ जो यात्रा की होगी वो भी अच्छा रहा होगा। पेपर तो आप लोग सब देख ही चुके होंगे, उसकी एनालिसिस भी कर चुके होंगे, और जो बड़े संस्थान हैं उन्होंने आंसर की भी जारी कर दी है कल रात को। तो दृष्टि या और भी जो इलाहाबाद के संस्थान हैं उनकी उत्तर कुंजियों से आपने अपने प्रश्न पत्र का मिलान भी कर लिया होगा, और मिलान भी सटीकता से किया होगा क्योंकि OMR की कॉपी आपके पास इस बार आयोग के द्वारा प्रोवाइड कराई गई थी, जैसा कि पिछले 2-3 बार से कराई जा रही है। अब कट ऑफ की जहाँ तक बात रही, तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, नंबर ऑफ जो सीट है वो लगभग 300 है। इस बार जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो लगभग 13 गुना जारी किया जाएगा, यानी कि लगभग 4,000 रिजल्ट जारी किए जाएंगे। पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो मॉडरेट से लेकर टफ की श्रेणी में पेपर को रखा जा सकता है, और अगर ट्रेंड चेंज की बात की जाए तो टफेस्ट पेपर बन जाता है, क्योंकि इस बार दो चीज़ें जो पूछी जाती थी, जो एक रिपीटेड क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर, और दूसरा जो उत्तर प्रदेश विशेष से 10 से 15 प्रश्न आते थे, वो दोनों ही चीज़ें प्रश्न पत्र से गायब थी। संकल्पना आधारित प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई थी और साथ साथ फैक्ट वाले क्वेश्चन भी रखे गए थे। अब एक और फैक्टर की बात कर लेते हैं कि जो स्पेशल UPPCS में जो प्रश्न पूछे जाते थे यूपी से रिलेटेड, उसके प्रश्न से उस उन प्रश्नों के हटने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। कटअप पे दोनों तरीके के प्रभाव पड़ सकते हैं। यूपी के कम पूछने से जो UPSC की जो बच्चे तैयारी करते हैं और जो अदर स्टेट से बच्चे जाते हैं उन्हें कुछ बेनिफिट हो सकता है, लेकिन प्रश्न की जो प्रकृति थी बाकी वो इतनी आसान नहीं थी कि कटअप किसी भी श्रेणी में बढ़ जाए, यानी कि कटअप बढ़ने की संभावना सीटें कम होने के बावजूद भी नहीं के बराबर है। हमारे अनुसार से इस बार जो कटअप रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आपको उचित लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैंने जो कट ऑफ का निर्धारण किया है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आधार पर किया है, नंबर ऑफ मार्क्स के आधार पर नहीं किया है, क्योंकि मार्क्स क्या होता है कि अगर क्वेश्चन कोई डिलीट होते हैं, कुछ इधर उधर चेंज होते हैं तो उसमें परिवर्तन आता है। ये जो मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जिस भी संस्थान से आप आंसर के आपने मिलाया होगा, उम्मीद करता हूँ कि किसी एक से ही मिलाया हो और उसी का माने, ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन आंसर किसी से मिलाएं और जो आपके अकॉर्डिंग हो उसे मानकर आप अपना मार्क्स जोड़ें। किसी एक अच्छे संस्थान से मिला लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर बन रहे हैं उसी के अनुसार से आप निर्धारण करें। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी 94 to 96 नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात हो रही है, OBC 94 से 96, क्योंकि यूपी में OBC और जनरल का कट ऑफ लगभग बराबर होता है। SC की कट ऑफ 87+-2, ST 88, और जो वुमेन कैटेगरी है यानी महिलाओं की जो श्रेणी है उसकी कट ऑफ 89+-2 यानी 90 के करीब रहने की उम्मीद है। एक नया कट ऑफ जो इस बार रिजर्वेशन के थ्रू आएगा, EBC एक्सट्रीमली वीक, सॉरी EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। EWS के कट ऑफ के बारे में सटीक प्रिडिक्शन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन आप मान के चलिए कि जनरल और OBC से 2-3 क्वेश्चन जरूर कम रहेंगे, यानी 91 से 90 के बीच में EWS के कट ऑफ रहने की उम्मीद की जा रही है। अगर इस रेंज में आपके नंबर बन रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलाएं उसमें पूरी तरह से सच्चाई बरतें। ये मान के चलें कि आप अगर अपने साथ सच्चाई बरतेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए वो अच्छा होगा। दूसरी बात, एक ही संस्थान से मिलाएं, अपने अकॉर्डिंग जो जहाँ से सही लगे उस तरीके से मिला के नंबर को इंक्रीज करके कट ऑफ ना बताएं। धन्यवाद।